हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल मैथ सॉल्यूशन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्राइंगल्स के बारे में, राइट एंगल्स ट्राइंगल के बारे में कुछ जो हम यूज़ करने वाले हैं। मतलब पहले भी हमने यूज़ करा है, पहली वीडियो में हमने यूज़ करा है, लेकिन अब थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसके बारे में। जैसे हमने ये ट्राइंगल बना लिया, एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए हमने बना लिया 90 डिग्री, और एंगल बी एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए के सामने मतलब 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसे हमने लिख लिया हाइपोटेन्यूस, ये कहलाती है हाइपोटेन्यूस, इसे हम डिनोट कर रहे हैं एच से। और ए बी बेस, बेस और ए सी हो गया हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेंगे एंगल्स पर। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एंगल्स बी के लिए, तो इसके लिए लिख दिया हमने परपेंडिकुलर और बेस। अब हम मैं दोनों एंगल्स के लिए बताता हूँ। जैसे फॉर एंगल बी, एंगल बी के लिए हमारा परपेंडिकुलर है ए सी, तो ए सी इज़ परपेंडिकुलर फॉर एंगल बी एंड ए बी इज टेकन एज बेस। सो व्हेन वी आर यूजिंग एंगल बी देन ए सी इज़ परपेंडिकुलर एंड ए बी इज बेस। नाउ फॉर एंगल सी, नाउ इफ वी आर टेकिंग एंगल सी, अगर हम एंगल सी लेते हैं तो उसके लिए ए बी इज परपेंडिकुलर, तो ए बी परपेंडिकुलर होगा और ए सी हमारा बेस होगा। तो एंगल सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर, ए सी बेस। तो ये हो गया हमारा छोटा सा एक्सप्लेनेशन एक ट्राइंगल के लिए कि बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को कैसे लेना है। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ी सी। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन 2D में एक्स और वाई मतलब पॉइंट्स को डिनोट करने का तरीका होता है। तो उस कार्टेशियन प्लेन डिवाइड होता है 4 क्वाड्रेंट्स में। तो कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, और हमारे 3D में होता है, उसके बाद में बात करेंगे, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो हम 2D में कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स था। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स और वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट की बात। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता है एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब जो हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया है, अब मैं इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जोड़ता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इसके साथ कैसे जोड़ना है? जैसे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हर एक एंगल जो 0 से 90 के बीच में लाए होते हैं, उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे? पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन, साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव, एंड अदर फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। तो साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट हमारा टेन और कॉट, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। इसमें और चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और चारों कौन कौन? साइन कॉस सेक कॉसेक, ये नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे सिर्फ, एंड अदर फोर्स आर, फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव, और चारों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट्स के बारे में। अब क्योंकि हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम बात करते हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सप्लेनेशन। तो अब इसकी कुछ आइडेंटिटीज रिलेटेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारी पहली आइडेंटिटी इसमें आती है साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब कोई भी एंगल, 90 के अलावा एंगल ए एंगल बी कोई सा भी, तो ये क्या होगा? थीटा मान लिया हमने। जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें ट्राइंगल ले लिया हमने, वही ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल ए को हम मान लेते हैं 90, और बी सी हाइपोटेनस, ए बी बेस और ए सी परपेंडिकुलर। हमने बी को थीटा मान लिया, एंगल बी को थीटा ले लिया, तो ये ए बी हो गया बेस और ए सी हो गया परपेंडिकुलर। अब हम इसे प्रूफ करके दिखाते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया आर एच एस, कॉस थीटा को ले लिया, कॉस थीटा
तो कॉस थीटा होता क्या है? प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा के लिए बेस क्या है? तो बेस क्या होता है? बेस होता है जिससे एंगल बनता है, हाइपोटेनस और बेस से हमेशा एंगल बनता है, ध्यान रखना। तो बी ए बेस हो गया हमारा ए बी और हाइपोटेनस हो गया बी सी। अब हमें पता है ट्राइंगल प्रॉपर्टी, जो ट्राइंगल लॉ होता है, ट्राइंगल्स कहते हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ध्यान रखना ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। एंगल ए हमारा 90 है, एंगल बी हमारा थीटा है, तो हमारा सी कितना हो गया? 180 माइनस 90, 90, तो एंगल सी हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा हम पुट करते हैं एल एच एस, साइन 90 माइनस थीटा की जगह, तो साइन 90 माइनस थीटा था हमारा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया? साइन एंगल सी, और एंगल सी किसके लिए हमारा साइन क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा एंगल सी के लिए क्या है? ए बी, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है? बी सी। अब इसे मैं थोड़ा बना देता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाए पहले डायग्राम से। तो ए बी सी हमने वही सेम डायग्राम, बस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी, और बेस क्या होगा? ए सी। हाइपोटेनस सेम, हाइपोटेनस फिक्स रहता है, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी अपॉन बी सी। अब देखिए कॉस थीटा था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, मान लिया इसे, ये सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड हमें क्या मिला? सेम वैल्यूज, दोनों की राइट साइड क्या है? सेम, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो हमारा कॉस थीटा क्या हो गया? साइन 90 माइनस थीटा, तो हमने जो लिया था पार्टी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो गई हमारी पहली आइडेंटिटी। इसी तरीके से हम पांच और आइडेंटिटीज हैं जो सेम हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हैं, सब क्या हो जाएंगी? सेम। तो सब सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ होंगी, तो उसे आप, ये आप होमवर्क मान सकते हैं। तो इसे करिए, तो हम मैं लिख देता हूँ इन्हें, जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। सिमिलरली हो गया, फिर सिमिलरली हम करते हैं सेक 90 माइनस थीटा के लिए, सेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा सेक थीटा। तो ये हमारे सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो गई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूज़ करते हैं, इन्हें याद रखना है, और याद करने जो इतनी है आप इसे मेमोराइज नहीं करना है, रटना नहीं है कोई चीज़, समझना है जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है, इसे एक बार अपने आप ये पांचों चीज़ यूज़ करनी है। अब कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो बेसिक हम आईसीएसई बोर्ड वाले 9th क्लास में यूज़ कर लेते हैं और 10th वाले 10th में यूज़ करते हैं। तो इसे क्या है? पहला फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ और बची हुई चीज़ें आप खुद होमवर्क होगा वो आपके लिए। तो इसका छोटा सा प्रूफ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका मैं प्रूफ बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसपे ए बी सी, एंगल ए कितना हो गया? 90 डिग्री, एंगल सी हमने मान लिया थीटा। तो हम पहले एल एच एस को सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया एल एच एस। तो साइन थीटा हमारा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर नहीं है, ये पूरे एंगल्स के साथ स्क्वायर है। तो ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। थीटा कॉस के लिए बेस है ए सी, तो ये हो गया हमारा। तो हमने बी सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, एलसीएम, कॉमन नहीं एलसीएम, तो बी सी स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया ऊपर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मैंने पिछली बार डिस्क्रिप्शन में, अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन करा था, तो उससे ये हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा? बी सी स्क्वायर। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस
ए सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया हमारा 1 जो कि आर एच एस के बराबर है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया हमारा। तो ये पहला प्रूफ था। ऐसे ही हमारा अब इससे में बनने वाले दो और फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूलेज जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक में नॉर्मली यूज़ हो जाते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से दो और फॉर्मेशन इससे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा हमें यूज़ करना हो, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 11th क्लास में इससे बहुत सारे फॉर्मूले हम बनाते हैं, इसका इन्हीं फॉर्मूलोज का यूज़ करके कॉस स्क्वायर थीटा को यूज़ करते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूले जनरेट हो गए इससे। नेक्स्ट, इससे सिमिलरली हम क्या आते हैं, जैसे मैंने प्रूफ करा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वन इक्वल टू 1, ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। सेम तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, ये भी आपके लिए छोटा सा होमवर्क। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा। इससे हम दो फॉर्मूलेज और जनरेट करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नॉर्मली हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीन फॉर्मूले जनरेट हो गए इससे, इन्हें आइडेंटिटीज भी कह सकते हैं। सिमिलरली अब कॉट और कॉसेक के लिए, 1 माइनस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिससे हम और चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले इससे जनरेट हो गए। तो ये नॉर्मल हमारे 9 फॉर्मूलेज जिन्हें हम एज ए आइडेंटिटीज भी यूज़ कर सकते हैं, इन्हें याद रखिएगा। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या प्रॉब्लम्स है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।